हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेडिकल फील्ड स्टडी में। आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में शानदार वैकेंसी है इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो हो जाइए तैयार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी हाँ, तो बात करते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में शानदार वैकेंसी आई है इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट नोटिस 10/2018 इंटरनल के अंतर्गत आई है। यहाँ अगर देखा जाए, देखते हैं पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट पाई है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, आईटी मैनेजर, असिस्टेंट आईटी मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर, असिस्टेंट जूनियर डायरेक्टर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर इत्यादि की भर्ती आई है। जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी वाइज जो है बात कर लेते हैं वैकेंसी की। जी हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर में टोटल पोस्ट 15 है। जी हाँ दोस्तों, जो इस तरह से बांटा गया है, असिस्टेंट इंजीनियर में 2 पोस्ट है, आईटी मैनेजर का 3 पोस्ट है, असिस्टेंट आईटी मैनेजर का 23 पोस्ट है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का भी 13 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का 10 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट का 96 पोस्ट है। स्टोगनाफर के लिए, जी हाँ, स्टोगनाफर के लिए 13 पोस्ट है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 15 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है, आईटी मैनेजर के लिए, सॉरी ये दूसरे कैटेगरी के लिए है। नोट, द पोस्ट फॉर दिव्यांग फिजिकल कैंडिडेट विल बी रिजर्व एट पर गवर्नमेंट। देखिए, जो फिजिकली कमज़ोर है, जो विकलांग है, उनके लिए जो है बिहार सरकार विशेष आरक्षण दे रहा है। जी हाँ, आगे बात करते हैं। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन चाहिए पूल 4 या का जो है इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री चाहिए, और इसमें जनरल को 60% मार्क के साथ पास होना चाहिए, एससी एसटी 50% मार्क, बीसी ईबीसी 55% मार्क, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है फुल 4 ईयर बीटेक के बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आईटी मैनेजर की बात करें तो एमसीए फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बी बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड एआईसीटीई। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट आईटी मैनेजर के लिए एमसीए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेबर एंड सोशल वेलफेयर, और एमबीए यानी पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स, और 2 ईयर पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जूनियर असिस्टेंट जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। जी हाँ, स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लीन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रोफेसिंग मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ स्टेनोग्राफर विल प्रेफर्ड। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम सर्विस लेंथ अप्लाई फॉर दिस 1/8/2018। बात नहीं करते हैं, ये सब बाद में देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिजर्वेशन को तो आप लोग जानते ही हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जी हाँ, जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 50, एसटी के लिए 21 और मिनिमम 50, एसटी के लिए भी 21 और 50, ईबीसी के लिए भी 21 50, बीसी के लिए भी 21 50, और फीमेल जनरल के लिए भी उतना ही चाहिए। जी हाँ, एप्लीकेशन फ़ी है जो ऑनलाइन अप्लाई करने में 1,000 रुपये लगेंगे, और जो एस सी एस टी और दिव्यांग है उनके लिए 250 रुपये लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, क्वालिफाइंग के लिए
40% जनरल के लिए चाहिए, 36.5% BC के लिए, 34% ABC के लिए, 32% SC ST के लिए चाहिए और फीमेल के लिए चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16/10/2018 शुरू होने वाली है और क्लोज 31/10/2018 6 बजे शाम तक हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी 31 तारीख तक है। पीट ऑफ मॉडिफिकेशन एडिट फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो उसके सुधार के लिए 1/11 से 2/11 तक 6 बजे तक सुधार किया जाएगा। एग्ज़ाम जो है उसका डेट जो है 2nd वीक दिसंबर में आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.bhpscl.bih.nic.in के साइट पे जाके। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।